वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। क्या आप केराटिन ट्रीटमेंट करवाने का प्लान कर रहे हो? सब कुछ सारा कुछ फाइनल हो चुका है, कौन से सैलून में कराना है वो सब कुछ। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि वही सेम केराटिन ट्रीटमेंट आप अपने घर पे कर सकते हो, वो भी सेम रिजल्ट्स के साथ, तो आपको कैसा लगेगा? पहले तो ये समझ लेते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट होता क्या है। केराटिन ट्रीटमेंट होता है बेसिकली प्रोटीन ट्रीटमेंट, जो आपके बालों को हेल्दियर बनाता है, ग्लोसियर बनाता है। ये आपके हेयर को कुछ भी डैमेज नहीं करता है। अगर आपका सैलून वाला असली प्रोडक्ट्स यूज करता है तो, अगर वो नकली यूज करता है तभी आपको हेयर को डैमेज हो सकता है, वरना ये कोई भी डैमेज नहीं करता है। हमारे हेयर्स केराटिन से बने हुए होते हैं, चाहे वो सिर के हेयर हो या फिर आईलेसेस के हेयर हो, बने हुए होते हैं केराटिन से। तो केराटिन ट्रीटमेंट में एक केराटिन की आर्टिफिशियल लेयर आपके हेयर में इन्फ्यूज की जाती है, एक्स्ट्रा आपके हेयर को केराटिन देने के लिए, जो आपके हेयर को शाइनियर बनाते हैं, ग्लॉसी बनाते हैं और हल्का फुल्का सा स्ट्रेट भी करते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट करवाने के बाद उसको मेंटेन करने के लिए जो खर्च होता है वो ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल लेयर आपके हेयर के ऊपर केराटिन की लग जाती है, जिसको मेंटेन करने के लिए आपको महंगे शैम्पूज लेने होते हैं, वो भी सल्फेट फ्री, वो भी सेम ब्रांड के, और हर महीने इसमें एक्स्ट्रा खर्च आता ही रहता है। हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसलिए आज के वीडियो में वही सेम केराटिन ट्रीटमेंट हम आपको घर पे करके देने वाले हैं, जो पार्लर्स में होते हैं उससे भी अच्छे रिजल्ट्स ये देगा और कोई भी डैमेज नहीं करेगा। बिल्कुल केमिकल फ्री है और नेचुरल है, एंड इसके मेंटेनेंस में आपको कोई खर्चा भी नहीं लगेगा। इसके लिए आपको सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ने वाली है। कौन से है वो इंग्रेडिएंट और उसके फायदे क्या है और कैसे रेमेडी को आपको रेडी करना है, वो बताने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ कि ये सारे इंग्रेडिएंट लेने से पहले आपको एक ग्लास बोल ले लेना है और एक एप्लीकेशन ब्रश ले लेना है जो डाई करने के लिए आता है वो। तो ये दो चीजें आप रेडी रखिए, फिर ही इंग्रेडिएंट्स को लीजिए। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है उड़द की दाल। उड़द की दाल लोडेड होती है प्रोटीन से। केराटिन ट्रीटमेंट आखिर में होता है एक प्रोटीन ट्रीटमेंट, तो यही सोर्स हम यूज करने वाले हैं उड़द की दाल से। वो बिल्कुल नेचुरल प्रोटीन है, हम कोई आर्टिफिशियल केमिकल वाला जो सैलून में आता है वैसे वाला प्रोटीन नहीं यूज करने वाले, हम बिल्कुल नेचुरल प्रोटीन यूज करेंगे। उड़द की दाल आपके हेयर को हेल्दियर बनाती है, शाइनियर बनाती है और काफी स्ट्रांग भी बनाती है, स्ट्रेंथन अप करती है। उड़द की दाल आपके हेयर में प्रॉपरली प्रोटीन देगी, आपके हेयर को स्ट्रांगर बनाएगी और मेक श्योर करेगी कि आपके हेयर पे कोई भी डैमेज ना हो। अगर कोई भी डैमेज होगा तो वो ये रिपेयर भी करेगी। दूसरा इंग्रेडिएंट हम यूज करने वाले हैं कर्ड। दही जो होता है वो काफी यूजफुल होता है हमारी स्किन के लिए भी। आगे कई सारे वीडियो में दही यानी कि कर्ड की रेमेडीज आपके साथ मैंने शेयर भी की है, लेकिन आज हम कर्ड को यूज करने वाले हैं अपने हेयर्स पे। हेयर की कोई भी मेजर प्रॉब्लम हो, दही यानी कि कर्ड दम रखता है वो सॉल्व करने में। चाहे आपके हेयर में ड्राइनेस है, डेंड्रफ है, फ्रीजीनेस है या फिर इचिंग है, ये सब कुछ सारा कुछ ठीक करता है कर्ड, और साथ ही साथ हमारे हेयर को काफी अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है। अगर आप सिर्फ दही भी अपने हेयर में लगा लो और उसके बाद शैम्पू कर लो तो आपको लगेगा कि आपने अभी अभी ही स्पा करवाया है, ये इतना इफेक्टिव होता है। हमारी जो आज की केराटिन ट्रीटमेंट है इसमें कर्ड बहुत ही अच्छी कंडीशनिंग देगा और काफी अच्छे से आपके हेयर को हाइड्रेट भी करेगा। तीसरा इंग्रेडिएंट हम यूज करने वाले है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप स्किन हेयर दोनों ही जगह पे यूज कर सकते हो। हेयर के लिए तो ये बेस्ट रहता है, हेयर को बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बनाता है, शाइनियर बनाता है। आप चाहे तो प्लांट वाला भी यूज कर सकते हो एलोवेरा जेल, या फिर आप चाहो तो मार्केट में जो रेडीमेड आते हैं वो एलोवेरा जेल भी आराम से ले सकते हो। आपने देखा होगा कोई भी DIY रेमेडी हो, स्किन की हो या फिर हेयर की हो, एलोवेरा जेल तो उसमें होता ही होता है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया रहता है, सब तरह से सूट करता है एंड उसके काफी ज्यादा यूजेस होते हैं। इसीलिए ज्यादातर DIY रेमेडीज में एलोवेरा जेल तो परमानेंटली होता ही है। आज के हमारे केराटिन ट्रीटमेंट को काफी अच्छा सा टेक्सचर भी देने का काम एलोवेरा जेल करेगा। फोर्थ इंग्रेडिएंट हम यूज करने वाले हैं वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपके हेयर को सॉफ्ट स्मूथ तो बनाता ही है, साथ ही साथ आपका हेयरफॉल की प्रॉब्लम हो तो उसको भी ये सॉल्व करता है।
तो कैस्टर ऑयल बहुत ही बढ़िया रहता है, तो वो हम यूज करने वाले हैं काफी शाइनी सी इफेक्ट लाने के लिए हेयर्स पे। जो पांचवा इंग्रेडिएंट हम यूज करने वाले हैं वो है कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क आप बना सकते हो आराम से घर पे। आपको कोकोनट ले लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करके उसको ग्राइंडर कर देना है एंड फिर एक चन्नी की मदद से उसको छान लेना है, तो जो भी मिल्की वाइट सा वाटर आपको मिलेगा काफी यूजफुल रहता है, बहुत ही बढ़िया रहता है हेयर के मामले में। बहुत ही अच्छे से कंडीशनिंग करता है, काफी स्ट्रेंथन अप करता है हेयर को, आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कर देगा एंड हेयर ग्रोथ में भी ये मदद करेगा कोकोनट मिल्क। तो सारे पांचों इंग्रेडिएंट आपको पता चल चुके हैं, तो अब बना लेते हैं रेमेडी। तो ये रेमेडी कैसे रेडी करनी है, उसके लिए आपको पहले तो एक कप उड़द दाल ले लेनी है, उसके अंदर आपको एक कप पानी डालकर उसको 3 से 4 घंटों तक उसको सोक होने देना है। उसके बाद पानी में भीगी हुई उड़द दाल को आपको ग्राइंड कर लेना है एंड आपका स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाएगा। उसको आपको एक बॉल में ले लेना है जो हमने स्टार्टिंग में आपके पास रखवाया था उसमें, एंड इसके अन्दर आपको 2 चम्मच कर्ड यानी कि दही के ऐड कर देने हैं। दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, आपका काफी क्रीमी सा पेस्ट रेडी हो जाएगा। इसके अंदर आपको 2 चम्मच एलोवेरा जेल के डालने हैं, 2 चम्मच कैस्टर ऑयल के डालने हैं और 2 चम्मच कोकोनट मिल्क के इसके अंदर ऐड कर देना है। ये सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। प्रॉपरली अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको अपने हेयर के पार्टीशन अलग अलग कर लेने हैं। एक एक पार्ट में एप्लीकेशन ब्रश की मदद से आपको ये पेस्ट लगाना है, रूट से लेंथ तक प्रॉपरली। स्कैल्प में भी लगाइए, रूट में लगाइए, लेंथ में लगाइए, अपने पूरे हेयर को एप्लीकेशन ब्रश से ये पेस्ट से कवर कर लेना है। साथ ही साथ आप कॉम्ब भी करते रहना ताकि हल्के फुल्के सा स्ट्रेटनिंग का इफेक्ट भी आपके हेयर पे आ जाए। अपने पूरे हेयर को कवर करने के बाद आपको 45 मिनट से 1 आवर तक इसको लगे रहने देना है। जितना ज्यादा आप रखोगे उतनी ज्यादा गुड इफेक्ट आपके हेयर को मिलेगी। आप चाहो तो इसको 1.5 आवर तक भी रख सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल केमिकल फ्री है, बिल्कुल सेफ है, तो आप इसको ज्यादा देर तक भी रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 आवर के बाद नॉर्मल शैम्पू से आपका मनपसंद जो भी डेलीवेयर का शैम्पू हो उससे आपको अपने हेयर वॉश कर लेने हैं एंड क्या कमाल के रिजल्ट्स आपको पहले ही यूज में मिलने वाले हैं। आपको लगेगा कि आपने केराटिन ट्रीटमेंट ही करवाई है, आप तो सलून जाके केराटिन ट्रीटमेंट करवाने के बारे में तो सोचना भूल ही जाओगे, इतना बढ़िया रिजल्ट आपको ये देने वाला है। शाइनिंग आ जाएगी आपके हेयर पे, हल्के फुल्के स्ट्रेट भी हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे एंड काफी ज्यादा मजबूत भी हो जाएंगे। तो ये रेमेडी जरूर ट्राई करना फ्रेंड्स। आप ये केराटिन ट्रीटमेंट मंथ में एक बार आराम से अपने घर पे कर सकते हो फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स एंड इसको कोई भी यूज कर सकता है, मेल भी फीमेल भी एंड कोई भी छोटा बड़ा कोई भी यूज कर सकता है, बिल्कुल सेफ है, तो जरूर ट्राई करना एंड ये आपके हेयर को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा। बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ ये बना हुआ है। जो सैलून में केराटिन ट्रीटमेंट होती है वो आप नहीं कह सकते कि वो असली है या फिर प्रोडक्ट्स उन्होंने नकली यूज किए हैं, तो इससे बेटर है कि आप अपने घर पे ही ये केराटिन ट्रीटमेंट कीजिए, बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा, जरूर ट्राई करना। एंड आज की वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, सो टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।